देखिए, हमारी सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया करती है और जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है हम कोई ना कोई एक दो नई चीज़ें जनता के हित में करते हैं। जैसे कल की बात ही आई है तो उसमें जो पेंशन है 2750 से बढ़ा करके 3000 रुपया जो मैंने पहले घोषणा की थी उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे अभी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद स्पीकर साहब की तिथियाँ तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएँ योजनाओं का लाभ पहुँचा सकते हैं तो उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो हमने नई कॉलोनीज अभी अप्रूव की हैं उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक एक चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो जिन गाँव के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहाँ पहुँचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरीगेशन के नाते जो खाले जो बनाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय रूट लेवल के उनको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों की यानी स्कूलों में जो कमरों की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे अगले वर्ष का पूरा एजेंडा रहेगा। मैंने पत्र लिख दिया है, सभी हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको सबको पत्र लिखा है और उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग तो शायद इस बार नहीं करेंगे लेकिन अपने अपने सुझाव भेजेंगे, उसका हम फिर बजट में समावेश करेंगे। और जो बजट की कमेटीज़ बनाई होती हैं उसमें हमने सुझाव दिया है कि बजट सत्र के दौरान, बजट के पेश होने के बाद कुछ समय उन कमेटीज़ को दिया जाए ताकि उसके ऊपर सभी विधायक मिल करके विचार करके और फिर बजट सत्र में उन सबको कमेटीज़ की रिपोर्ट को पेश किया जाए।